सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि KVS में स्पेशल टीचर्स की वैकेंसी आनी है, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। उसी आदेश की पालना शुरू होने लगी है। किस तरह से हाई कोर्ट के आदेश की पालना की जा रही है, इस चीज़ को देखेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर आप हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान है, जिसने आज एक मोस्ट अर्जेंट नोटिफिकेशन जारी की है। 21 नवंबर को जारी की गई नोटिफिकेशन है ये। सब्जेक्ट इसका है टू एंगेज स्पेशल एजुकेटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन KVS। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की बात सुन के आप भाग मत जाना, पूरी वीडियो देखना, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैडम सर, इन कंटिन्यूशन टू द ऑफिस लेटर डेटेड ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आम टू रिट्रिएट दैट ऑल KVS नीड टू मैंडेटरी इंगेज स्पेशल एजुकेटर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टिल रेगुलर पोस्ट इज सेंक्शन बाई KVS। दोस्तों, जब तक कि एक रेगुलर पोस्ट सेंक्शन नहीं होती KVS में, तो स्पेशल एजुकेटर्स को रखा जाएगा टेम्प्रेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम KVS हैव ऑलरेडी इंगेज स्पेशल एजुकेटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, बट मैनी KVS आर येट टू इंगेज स्पेशल एजुकेटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। बात यह है कि काफ़ी KVS ने स्पेशल एजुकेटर्स को रखा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, लेकिन काफ़ी ने अभी तक नहीं रखा, उन्होंने अभी रखना बाकी है। एज दिस मैटर इज सब जस्टाइज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, लेटेस्ट पोजिशन ऑफ अवेलिटी ऑफ स्पेशल एजुकेटर इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज ऑन 30th November 2022। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो इनके ऊपर प्रेशर है। अब चाहते हैं कि 30 नवंबर को इन्हें जो सबमिट करनी है रिपोर्ट, उसमें अवेलेबिलिटी दिखानी है कि हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स हैं कि नहीं। इट इज़ इन्फॉर्म दैट स्पेशल एजुकेटर्स आर टू बी इंगेज थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टिल द सेंक्शन पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स बाय KVS। तो दोस्तों, यही है कि जब तक इनका सेंक्शन नहीं होता पोस्ट का, तो उससे पहले पहले स्पेशल एजुकेटर्स इन्होंने रखने हैं। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट ऑल द प्रिंसिपल्स अंडर द रीजन टू एंगेज स्पेशल एजुकेटर्स इन ऑल KVS इमीडिएटली। दोस्तों, जितने भी KVS हैं, उन सभी में स्पेशल एजुकेटर्स को रखा जाए इमीडिएटली, ऐसा इन्होंने बता रखा है। क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर स्पेशल एजुकेटर इज टू बी फॉलोड फॉर इंगेजिंग स्पेशल एजुकेटर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जो भी RCI ने एक मान्यता दे रखी है क्वालिफिकेशन की, अप्रूव कर रखी है क्वालिफिकेशन, उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जाए इमीडिएटली, ऐसा इन्होंने कहा है। इन केस स्मॉल KVS हैविंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर इंगेजिंग स्पेशल एजुकेटर्स, दे मे अप्रोच टू रीजनल ऑफिस with justification for funds, and also in case of shortage of funds at the regional level, the case may be referred to KVS headquarter for further action to this end। दोस्तों, यहाँ तक हिदायत दे दी गई है, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप फंड्स के लिए भी अपने हेडक्वार्टर में संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो इमीडिएटली इन्होंने स्पेशल एजुकेटर्स रखने हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखेंगे जब तक कि पोस्ट सेंक्शन नहीं हो जाती। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि पोस्ट जल्द से जल्द आने वाली है, क्योंकि जो दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था, उसका इनके ऊपर प्रेशर साफ साफ दिख रहा है। एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन दिस मैटर मे बी फॉरवर्डेड टू द ऑफिस ऑन और बिफोर 30th November 2022। 30 नवंबर तक इन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। योर सिंसियरली NR मुरली, ज्वाइंट कमिश्नर NR मुरली के साइन है। ये सारी चीज़ें हैं कि KVS में अभी स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज आ रही हैं, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आएंगी, उसके बाद परमानेंट बेसिस पे आएंगी जब पोस्ट सेंक्शन हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेक श्योर इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।